वसुंधरा राजे और गौरव गोगोई की मुलाकात। उदयपुर एयरपोर्ट पर मिले दोनों दिग्गज नेता। मुलाकात की तस्वीरें हुई वायरल तो हो गई चर्चा तेज। क्या राजस्थान चुनाव से पहले होगा कोई खेला? जब धुर विरोधी दलों के नेता आपस में टकराते हैं तो वो सुर्खियां बन जाती हैं, चाहे ये टकराव सामान्य हो या असामान्य। राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोर ही लेता है। कुछ ऐसी ही चर्चाएं राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक तेज होने लगी हैं, जब कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई की मुलाकात भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से हुई। दोनों नेताओं का आमना सामना अनायास ही उदयपुर के एयरपोर्ट लाउंज पर हो गया। बस फिर क्या था, तस्वीरें बाहर आई तो चर्चा में आ गई। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई इन दिनों बतौर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से राजस्थान के दौरे पर आए हुए हैं। वे यहां कमेटी के अन्य सदस्यों अभिषेक दत्त और गणेश गोदियाल के साथ पार्टी के जिताऊ उम्मीदवारों को खोजने के लिहाज से आए हुए हैं। शुक्रवार को वे उदयपुर में थे। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी भाजपा की परिवर्तन यात्रा से एक दिन पहले देव दर्शन के लिए निकली हुई थी। यही कारण रहा कि दोनों विरोधी दलों के नेता अनायास ही उदयपुर एयरपोर्ट पर टकरा गए। सांसद गौरव गोगोई ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की, उनका अभिवादन किया। जवाब में राजे ने भी अभिवादन स्वीकार करते हुए गोगोई से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के अन्य नेता भी गोगोई के साथ मौजूद रहे। इसके बाद कुछ देर के लिए गोगोई और राजे के बीच बातचीत का दौर भी चला। सभी नेताओं ने मिलकर तस्वीरें खिंचवाई और फिर अपने अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। दरअसल सांसद गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के युवा सांसदों में से एक हैं। वो असम के कलियाबोर सीट से चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंचे हैं। वहीं वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह भी लोकसभा से भाजपा सांसद हैं। संसद सत्र के दौरान गोगोई और दुष्यंत एक दूसरे के आमने सामने मौजूद रहते हैं। वहीं अब यह तस्वीर सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक ने ट्वीट किया और लिखा कि गजब ने ये किया है सारा, घड़ी भर का खेल है सारा, तमाशा ही बन जाएंगे खुद तमाशा, बदल जाएगा ये नजारा। ये चंद लाइन कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक ने ट्वीट किया है। वैसे तो लाइन एक बॉलीवुड गाने की है, लेकिन जिस तरह से इसे गौरव गोगोई और वसुंधरा राजे की मुलाकात की तस्वीर के साथ ट्वीट किया, उसे लेकर सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सामने आई इन तस्वीरों ने राजनीतिक घमासान को और बढ़ा दिया है। उधर गौरव गोगोई उदयपुर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर दोनों दिग्गजों के मुलाकात में क्या बात हुई है और राजस्थान की राजनीति में कौन सी खिचड़ी पक रही है। बहरहाल राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी गलियारों में सियासी उठापटक का दौर तेज होता जा रहा है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।